अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज हो गया नेक्स्ट डे और नाश्ता हो गया था। अब हो रहा है दिन का टाइम, तो हम लोग बनाएंगे रोटियां। मैं भी ट्राई करूंगी चूल्हे पर, तो देखते हैं। अभी तो चूल्हा जल गया है और मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और यहाँ देखें, यहाँ हम लोग बना रहे हैं देसी स्टाइल में चूल्हे पर रोटियाँ। और चूल्हे की रोटियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम लोग ने बनाई थी रोटियाँ और फिर खाई भी। ये किस चीज के पैसे ले रही है? ये मटके बनने के। छोटी वाली, छोटी को कौन बुला बुला? अभी लोग तो अभी नहीं भरेंगे भैया, उनको ही बुला। आज तो की तो काट दी। अरे ये सारा तो सबसे ले। अरे एकदम बात रुक जाओ। अम्मी आपकी अम्मी खर्चे के टाइम पे बस नहीं अगला रहा है। ये मटकियों में पानी भरा जाएगा। ये नई मटकी आई है। बेल्ट की इधर गेट पे, इधर काम करो, बस बस उधर मत जाना। और अब ये जो सारी मटकियां रखी है नई वाली, इसमें ये सब दामाद भरेंगे पानी। यहाँ की ये रसम है, तो देखिए पानी भरा। और ये इनके हाथ में पैसे भी आ गए, दामादों को पैसे मिल गए। अब हो रही है बारात में जाने की तैयारी। तो ये मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और ये मेकअप का सामान है। तो आज मैं बारात में पहन रही हूँ ये गरारा, इसके साथ का है कुर्ता और ये रहा इसका दुपट्टा। आज मैं पहनूँगी गरारा, ये मेकअप का सामान है। और बस रेडी होने का टाइम आ गया है, तो हम रेडी होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, हम लोग हो गए रेडी और यहाँ ये देखिए मटकी है जो डेकोरेट करी थी। और ये आ रहा है अमर चाचा दूल्हा। ये है सारी गाड़ियाँ जो कि 7 गाड़ियां हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से लेके दो गाड़ियां इधर हैं, बाकी की गाड़ियां हैं। ये लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े। गाइस, डेकोर बहुत शानदार है, देखें आप। अब हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बेड, और यहाँ सामने है दूल्हा दुल्हन का स्टेज। ये देखें सामने दिख रहा है जो, और स्टेज भी बहुत अच्छा डेकोरेट है, लाइट्स है और फ्लावर से डेकोरेट है, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग के लिए लगा है यहाँ नाश्ता, तो हम लोग यहाँ स्नैक्स में हैं। 2-3 चीज़ें तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। और ये मुजम्मिल मेरे लिए लेकर आ गए फुल्की, और ये हमारी खाला अब आ रही है। हम लोग रास्ता भूल गए, नहीं आई थी हम लोग के साथ में थी। नहीं, हम लोग अंदर गली में चले। अच्छा, ये भी एक ऊपर साहब है। और अब मैं आ गई स्नैक्स सेक्शन में, तो पानी फुल्की और फ्रूट्स थे यहाँ पर। और इधर है पपड़ी, चाट, जलेबी, दही बड़े। यहाँ था बहुत ही यम्मी सा मसाला सोडा एंड पाइनएप्पल जूस, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। इतने लंबे सफ़र के बाद इतनी अच्छी ठंडी ड्रिंक मिले तो मज़ा आ जाता है, गर्मी का भी। वेदर भी बहुत अच्छा था शादी के टाइम पर,
तो हम लोगों ने पाइनएप्पल जूस लिया, पपड़ी चाट ली, ये भी पाइनएप्पल जूस है और दही बड़ा सब कुछ। और अब यहाँ दुल्हन बैठ गई है गाड़ी में, क्योंकि अब हो रहा है रुखसती का टाइम, तो दुल्हन के घर वाले उनको छोड़ने आए बाहर तक, और दुल्हन गाड़ी में बैठ गई है।